Brought to you by Biz Analyst by Khata Book. ना कंप्यूटर ना फाइल, अब टैली डेटा ऑन मोबाइल Biz Analyst के साथ। विवेक अग्निहोत्री की फिल्म द कश्मीर फाइल्स को देश भर में प्यार मिल रहा है। बॉक्स ऑफिस पर भी फिल्म की आंधी जबरदस्त तरीके से जारी है। जहां एक तरफ देश के कई राज्यों में फिल्म को टैक्स फ्री कर दिया गया है, तो वहीं दूसरी ओर फिल्म को बनाने के दौरान फिल्म की कास्ट को कई तरह की मुश्किलों का सामना करना पड़ा। आप ये बात सुनकर हैरान हो जाएंगे कि फिल्म के डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री की वाइफ एक्ट्रेस पल्लवी जोशी के खिलाफ कश्मीर में फतवा तक भी जारी कर दिया गया था। लेकिन उनके साथ एक वाक्य ऐसा हुआ जिसने पल्लवी जोशी के होश उड़ा दिए थे। दरअसल मीडिया प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कश्मीर में अपने साथ घटे हुए उस वाक्य के बारे में बात करते हुए पल्लवी ने बताया, एक दिन एक 4-5 साल की बच्ची मेरे पास आई और मौज मस्ती के बाद उसने मुझसे पूछा कि मैं कब नमाज के लिए जा रही हूँ। मैंने उस बच्ची से कहा कि मैं नमाज नहीं पढ़ती क्योंकि मैं एक हिंदू हूँ। हालांकि बच्ची ने मुझे कुछ ऐसा बताया जिसने मुझे चौंका दिया। उस बच्ची ने मुझसे कहा, तो क्या आपको नमाज पढ़नी चाहिए क्योंकि ये जरूरी है। मैं चौंक गई क्योंकि छोटी बच्ची को ये नहीं पता था कि अन्य धर्म भी है। सोचो वहाँ किस तरह का कट्टर पंथ हो रहा है, ये बहुत खतरनाक है। आपको बता दें कि नेशनल अवार्ड विनिंग एक्ट्रेस पल्लवी जोशी ने फिल्म द कश्मीर फाइल्स में ANU प्रोफेसर राधिका मेनन का किरदार निभाया था। फिल्म में राधिका मेनन स्टूडेंट्स को आजाद कश्मीर के लिए लड़ने के लिए प्रेरित करती हैं। वहीं पल्लवी ने फिल्म में अपने नेगेटिव किरदार निभाने के पीछे की वजह के बारे में बात करते हुए बताया था कि वो झूठ का पर्दाफाश कर सच को बाहर लाने में मदद करना चाहती थी। इसके अलावा मीडिया को दिए एक दूसरे इंटरव्यू में पल्लवी ने बताया था कि उनके और उनके पति विवेक अग्निहोत्री के खिलाफ कश्मीर में फतवा तक भी जारी कर दिया गया था। हालांकि उस वक्त वो फिल्म के आखिरी सीन की शूटिंग कर रहे थे, लेकिन विवेक और पल्लवी दोनों ने ही ये बात फिल्म की पूरी कास्ट और क्रू को नहीं बताई ताकि किसी का फोकस भी ना भटके। वही फिल्म में पल्लवी के अलावा अनुपम खेर, मिथुन चक्रवर्ती और दर्शन कुमार भी लीड रोल में हैं। 11 मार्च को रिलीज हुई द कश्मीर फाइल्स कश्मीर घाटी से कश्मीरी पंडितों के पलायन और नरसंहार की कहानी और दर्द बताती है।